देखिए अभी मुझे जानकारी जो मिली है कि वहाँ भी जो है मोदी के चरित्र का झंडा लहर रहा है और भारत भूमि हमेशा लंगोटी को पसंद किए, चुनरी को पसंद नहीं किए। राहुल जो है राजनीति की चुनरी है, मोदी जो है राजनीति की लंगोटी है, साधना साधक है। इसलिए भारत भूमि पर हमेशा साधकों का सम्मान हुआ है। कर्नाटक की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कर्नाटक की जनता ने भी मोदी के चरित्र और ईमान को सलाम किया है और वहाँ की जनता को मैं सलाम करता हूँ। क्या आपको लगता है कि वो जिस तरीके का दावा कर रही थी कि राहुल गांधी को ले आकर एक नई संजीवनी देगी कांग्रेस को, वो सपना कहीं ना कहीं ऐसा है मेरे भाई? संजीवनी वो देता है जिसके पास संजीवनी लाने का पुरुषार्थ होता है। जो खुद राजनीतिक दृश्य से मरा हुआ व्यक्ति हो, राहुल तो उस राजनीतिक जो है राजनीतिक उसको खालिस मारे हुए हैं। उसके पास न ज्ञान है, न ईमान है, न ज्ञान है, न चरित्र है। वो एकदम नेहरू परिवार का एक चित्र है। वो जो है नेहरू परिवार का चित्र है, इधर चरित्र है, भारत का चरित्र है मोदी, और उधर जो है नेहरू परिवार का चित्र है। तो चित्र और चरित्र की लड़ाई जहाँ होगी वहाँ चरित्र जीतेगा, चित्र हारेगा। चित्र निर्जीव चीज होता है, चित्र जो है टंग सकता है, कहीं टांगा जा सकता है, कहीं हिल सकता है, लेकिन चरित्र बोलता है, चरित्र प्रेरक बनता है। इसलिए मोदी का चरित्र और राहुल का चित्र जो है हवा में उड़ जाएगा, चरित्र जो है दुनिया में अपना प्रतिभा बिखेरेगा और पूरी दुनिया उसके नीचे होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दूसरी प्रदेश का ये हार हुई, लगभग कांग्रेस दो ही प्रदेश में बच गए, तो राहुल को कुछ संदेश देंगे क्या? मैं संदेश बड़ी राहुल कांग्रेस पार्टी की जनाजा की अर्थी राहुल के कंधे से होकर घाट पर पहुंचेगी और भारत भूमि में कांग्रेस जो है समाप्त हो जाएगी। राहुल को क्या करना चाहिए? मुखाग्नि देगा, कांग्रेस को मुखाग्नि देगा। कांग्रेस को जो है राहुल मुखाग्नि देगा और अब अन्य जगह भी जो दो जगह है उस वहाँ जो है उसका समापन हो जाएगा। कांग्रेस का जनाजा भारत भूमि पर निकलेगा और राहुल गांधी जो है उस कांग्रेस पार्टी को मुखाग्नि दे करके हमेशा के लिए भारत भूमि से समाप्त कर देंगे। और ये दोनों माता और पुत्र उसी दिन एरोप्लेन पकड़ेंगे और इटली को लिए रवाना हो जाएंगे। इनकी संस्कृति इटली में बसती है।